एसपी सांसद आजम खान ने जेल प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। आतंकियों जैसा व्यवहार कर रहा है जेल प्रशासन, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप आजम खान का कि आतंकियों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। तो रामपुर फिलहाल ले जाए जा रहे हैं आजम खान, भारी सुरक्षा के बीच रामपुर आजम खान को लाया जा रहा है। तो रामपुर कोर्ट में आजम परिवार की आज पेशी है, जौहर यूनिवर्सिटी समेत 20 मामलों में आज सुनवाई होनी है और इसी पेशी को लेकर सीतापुर जेल से रामपुर उनको लाया जा रहा है। 27 फरवरी को रामपुर से सीतापुर जेल में आजम और उसके परिवार को शिफ्ट किया गया है और 2 मार्च तक जेल में ही आजम परिवार रहेगा। हालांकि आज पेशी है, उस पेशी के चलते सीतापुर जेल से रामपुर उनको लाया जा रहा है। पेशी जो है 20 मामलों पर आज सुनवाई है और सुनवाई के दौरान आजम खान को पेश होना है। तो आजम खान को रामपुर लाया जा रहा है और उससे पहले जिस तरह से जेल से उनको बाहर लाया गया, तो इस दौरान जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप एसपी सांसद आजम खान ने लगाया है। उनका कहना है कि आतंकियों जैसा व्यवहार जेल प्रशासन की तरफ से उनके साथ किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी समेत 20 मामलों पर आज सुनवाई है और रामपुर कोर्ट में आज आजम परिवार की पेशी होनी है। तो उसी को लेकर सीतापुर जेल से रामपुर उनको लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर आजम और आजम के परिवार को लाया जा रहा है। तो ये तस्वीर उस दौरान की जब सीतापुर जेल से रामपुर के लिए रवाना हुए आजम खान। रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीतापुर से अमरजीत और रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान लाइव जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अमरजीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि रामपुर ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को, रवाना हो चुके हैं सीतापुर से, लेकिन इस दौरान गंभीर और बड़ा आरोप जेल प्रशासन पर कि कहीं ना कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार यहां पर हो रहा है। देखिए आसिमा, जिस दिन 27 तारीख को जब आजम खान को लाया गया था, जब उनसे मीडिया ने बात की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि पूरा देश जानता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसके बाद कल आजम खान की बहू सिद्रा खान भी उनसे मिलने आई थी। मुलाकात के बाद जब सिद्रा खान जेल से बाहर निकली थी तो सिद्रा खान ने बयान दिया था कि उनकी सास बीमार रहती हैं लेकिन उनके दवाई की भी व्यवस्था जेल प्रशासन नहीं कर रहा है, उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो रही, उनको दवाई की व्यवस्था ठीक से नहीं की जा रही। जिसके बाद जब आज आजम खान को रामपुर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय आजम खान ने सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे एक टेररिस्ट साथ व्यवहार किया जाता है। ये आजम खान का बहुत बड़ा बयान है क्योंकि हालांकि मीडिया से काफी दूरी बनाई गई थी और सुबह से ही जो है मीडिया से बचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से वो गाड़ी का शीशा खोल के इतनी बात जरूर कह पाए कि मेरे साथ जेल में बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ है और जैसे कि एक टेररिस्ट के साथ व्यवहार होता है उस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया गया है। जी असमा, बिल्कुल आतंकियों जैसा बर्ताव जो है वो जेल प्रशासन कर रहा है, ये बड़ा आरोप है। हालांकि आपको अमरजीत पता होगा कि जिस तरह से रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया उसके बाद लगातार कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे थे, जान को खतरा भी यहां पर बताया गया, लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने आरोप आजम खान की तरफ से लगाया गया जेल प्रशासन पर, इन आरोपों को लेकर जेल प्रशासन का क्या कुछ कहना और कहीं ना कहीं सवाल जाहिर तौर पर खड़ा हो रहा है इन आरोपों के बाद। देखिए जेल प्रशासन की अगर बात किया तो जेल प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति जो है अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आ रहा है। जेल प्रशासन का साफ कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से ही आजम खान को रखा गया था और जो जैसा सभी के लिए होता है वैसी ही व्यवस्था रखी गई थी, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर आजम खान की बात को देखा जाए, उनकी बहू जो सिद्रा खान है उनके बयान को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने जो है जेल प्रशासन पे आरोप मढ़ा था कि इनके साथ काफी गलत किया जा रहा है,
जो इनकी पत्नी है तंजीन फातिमा, उनकी दवाइयों की भी व्यवस्था नहीं की जा रही जबकि वो बीमार बताई जा रही थी। तो ऐसे में लगातार जो है जेल प्रशासन पर सवाल उठते रहे। वही अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो इस पूरी कार्रवाई को राजनैतिक बता करके और पूरी तरीके से द्वेष भावना से और कहीं ना कहीं अपने आरोपों के साथ ही सियासत कहीं ना कहीं उसको भी हवा मिलती हुई नजर आएगी। अमरजीत लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आजम को कड़ी सुरक्षा के साथ सीतापुर जेल से रामपुर ले जाया जा रहा है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि सीतापुर जेल से रवाना होने के दौरान मीडिया से क्या कुछ कहते नजर आए आजम खान। जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप आजम खान का, हमारे संवाददाता लगातार अमरजीत और फहीम खान भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। तो फहीम खान हमारे संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं, रामपुर से वो जुड़े हुए हैं। फहीम, सीतापुर जेल से रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं आजम खान, आज रामपुर कोर्ट में पेशी आजम और आजम परिवार की। त्यागी आजम खान ने जिस तरह से सीतापुर जेल के ऊपर आरोप लगाया है उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो कल रामपुर कोर्ट में भी आजम खान के अधिवक्ता खलीलुल्लाह खान ने एक पिटीशन पेशी पे आना है और वो सीतापुर से निकल गए हैं। रामपुर वो पहुंचेंगे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि आजम खान के जो अधिवक्ता है उनका ये आरोप रहा है कि इनको गलत शिफ्ट किया गया था, इनको परेशान करने की नीयत से। हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके साथ। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई है। अनिला सिंह जी, आना टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिला सिंह जी आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका आर9 टीवी में। लेकिन जिस तरह से आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया और उसके बाद अब जिस तरह से आज उनको सीतापुर जेल से रवाना किया गया रामपुर कोर्ट में पेशी के लिए, तो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते जो मौका उनको मिल पाया, जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप है कि आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं जी, वो लगातार झूठ और फरेब की राजनीति आजम खान और उनके परिवार ने की है, वो अब भी झूठ बोल रहे हैं। ये उसी पुलिस पर दोष लगा रहे हैं जिस पुलिस को इन्होंने अपनी मुर्गी भैंस कुत्ता जब भी खोया है पुलिस को लगा दिया कि जाओ मेरी भैंस ढूंढ कर लाओ, जाओ मेरे कुत्ते ढूंढ कर लाओ, जाओ मेरी मुर्गी ढूंढ कर लाओ। और अब इस पुलिस पर ये दोष लगा रहे हैं मेरे साथ जैसे कि मैं आतंकवादी हूं, इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। अरे तुम क्रिमिनल हो, क्राइम किया है इसीलिए तुम जेल के अंदर हो। आरती उतारे क्या, तुम्हारे पैर छुए क्या पुलिस वाले? जैसे कि एक अपराधी होता है और अपराधी जैसे एक आम अपराधी होता है उसी तरीके से व्यवहार करेगी ना पुलिस। लेकिन हर जगह चाहते हैं कि इनके साथ वीआईपी की तरह वीवीआईपी की तरह बिहेवियर हो, रेड कार्पेट बिछाया जाए। किस गलत फहमी में जी रहे हैं आजम खान? गरीब लोगों का पैसा लूट लूट कर अपनी अकूत संपत्ति बढ़ाई इन्होंने। बिल्कुल, लेकिन पहले जान को खतरा, फिर शिफ्टिंग को लेकर सवाल, और अब इस तरह से जेल प्रशासन पर ये बड़ा आरोप। आप झूठ कह रही हैं, इस झूठ के पीछे वजह क्या मानी जाए कि आखिर इस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि अब वो जेल के अंदर है, तो झूठ के पीछे आप वजह क्या मानती है? देखिए, मैं जहां तक मैं समझती हूँ ये डिप्रेशन में है, ये समझते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान का सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक चेहरा है तो आजम खान जी। तो एक जो होड़ चल गई है ये मुसलमान नेताओं में, चाहे वो लाल मिर्ची ओवैसी हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, अलग अलग ये नए नए निकल के आ जा रहे, चाहे वो शर्जील इमाम हो, तो एक होड़ जो लग गई है कि कौन बड़ा मुसलमान नेता है, मुस्लिम फेस है, तो उसमें आजम खान अपने आप को खोते हुए देख रहे हैं और फिर जेल में भी चले गए। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में और एक सिंपथी कैसे मिले, ये सब उल्टी सीधी बयानबाजी कर, मतलब कहीं ना कहीं एक टीस है कि जेल के अंदर वो पहुंच गए हैं और इसी टीस के चलते इस तरह की बयानबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, साफ तौर पर उनका कहना है कि इस तरह के आरोप, इस तरह के सवाल वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजम का एक रुतबा था और अब वो रुतबा खत्म होने के बाद जेल पहुंच गए हैं क्योंकि अपराधी है तो अपराधी के साथ वैसे ही बर्ताव किया जाता है, इसमें आतंकी जैसा कुछ भी नहीं है। और एक बार फिर से हम आपको वो सुनवाते हैं
कि आजम खान जब सीतापुर जेल से रामपुर के लिए रवाना हो रहे थे क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, एक बार आप फिर से वो सुनिए। और लगातार हमारे संवाददाता सीतापुर से अमरजीत और रामपुर से फहीम खान जुड़े हुए हैं, जो लगातार पेशी को लेकर अपडेट हमें दे रहे हैं। फहीम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन अगर बात करें पेशी की, कितने बजे यहां पर पेशी होगी और जो 20 मामलों पर आज पेशी होनी है वो क्या कुछ मामले हैं जिस पर आज पेशी होगी? देखिए, कल एडीजे 6 की कोर्ट ने आजम खान को 20 मामलों में हाजिर होने का आदेश दिया था और एडीजे 6 ने ये बात स्पष्ट तौर पे कही थी कि कल 10 बजे अदालत में उनकी पेशी होनी है, इसमें कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। तो 10 बजे का टाइम तो अब नहीं है, लेकिन जिस तरह से 12 या 1 बजे आजम खान यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी पेशी होगी, पेशी में उनका परिवार उनके साथ होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उनकी आज जो है वो 20 मामलों में पेशी है। आजम खान ने जिस तरह से कहा है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो उनकी बहू ने भी ये बात बताई थी कि उनको वहां पे परेशान किया जा रहा है और उनको जो है सही से ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो रामपुर के अंदर उनकी जो तारीख है उन तारीखों को करने के लिए वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं और इसके बाद में फिर मुझे लगता है कि वापसी वो सीतापुर ही शिफ्ट किए जाएंगे, वापसी पूरा परिवार। तो जिस तरह से वो आएंगे यहाँ पे, आज बहुत गहमा गहमी का माहौल भी है, सुबह से ही सब तैयारियां लगी हैं। चलिए पेशी को लेकर फहीम आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल शुक्रिया अमरजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।